Dear students, welcome on RCI Online Pathshala. Now we start an important question. और ये important question IIT JEE में आया हुआ है. ठीक है? देखिए क्या question है. The area of the triangle obtained by joining complex numbers z, iota z, z plus iota z in Argand plane diagram is. देखो ये question क्या कह रहा है. देखो आपके पास ये एक ट्रायंगल है जिसके तीनों जो वर्टेक्स हैं वो क्या क्या हैं, ए बी सी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट आपके पास जेड दिया है, बी का कोऑर्डिनेट आयोटा जेड दिया है और सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, जेड प्लस आयोटा जेड. इतना हो गया. अब उसके बाद देखो हमको इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया. और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एरिया ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो देखो अब ध्यान से, नाउ बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स कोमा वाई. तो मतलब आपका ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इसको अगर लिखना चाहें तो एक्स कोमा वाई. ये तीन लाइनों से दिखा देते हैं ऐसे ना, ये गलत नहीं है, बराबर भी नहीं है, तीन साइन लगते हैं इसमें ना, अब तीन ही लगाना है. जब आप ऑफलाइन में आओगे तब बताऊंगा कि कैसे बनता है, क्या चीज होती है. ठीक है, उसके बाद देखो आयोटा जेड क्या होगा, आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, यही है. इसको अंदर सोल्व करो, देखो आयोटा एक्स और आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक, तो प्लस माइनस यही आ जाएगा. इसको आप क्या लिखोगे, माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स. तो यहां से क्या कोऑर्डिनेट निकल के आए, यहां से क्या निकल के आए बोलो, माइनस वाई कोमा एक्स. ठीक है भाई, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते जरूर हैं, लेकिन यहां तो क्या आ गया, माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स. इसका मतलब ये तो आपका क्या है, रियल पार्ट है, और ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है. ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा आयोटा साइड की जगह पे, बोलो माइनस वाई कोमा एक्स. हो गया ना इतना, कोई डाउट. उसके बाद देखो जेड प्लस आयोटा जेड. अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो घबराना नहीं है. देखो ध्यान से, जेड प्लस आयोटा जेड है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एक्स माइनस वाई. भाई आपको इन दोनों को क्या है, जेड प्लस आयोटा जेड करना है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लो. यहां से क्या आया, एक्स माइनस वाई, और यहां से क्या आएगा, y प्लस एक्स. भाई आप ऐड कर रहे हो ना, तो x प्लस माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई, और यहां से क्या होगा, y प्लस एक्स. तो इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई. हो गया ना. अब उसके बाद आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना आप, है ना. ये क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी लग रहा है, बाकी ये इजी नहीं है, बहुत बार आता है. अभी आप 11th क्लास में हैं तो हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, लेकिन जैसे ही आप इस क्वेश्चन को ऑफलाइन क्लास में करोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. देखिएगा एक्स कोमा वाई से बोलो, यहाँ बोल दो माइनस वाई कोमा एक्स, और यहाँ बोल दो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और ये बेटा जी आपका ए कोऑर्डिनेट, ये बी, और ये आपका सी कोऑर्डिनेट है. ठीक है, उसके बाद देखिए अब ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी कैसे लिखोगे, 1/2 तो लगेगा ही. अब उसके बाद देखना एक्स वाई, ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, माइनस वाई एक्स, उसके बाद क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और क्या लिखोगे, जो पहले नंबर पे लिखा उसको दोबारा से लिख दो. ठीक है, क्या लिखा, सबसे पहले एक्स वाई लिखा, लिख दिया, फिर माइनस वाई एक्स लिखा, लिख दिया, फिर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिखा, लिख दिया, और उसके बाद जो फर्स्ट पे लिखा उसको फिर लिख दो. ठीक है, उसके बाद इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है बढ़िया अच्छे ढंग से. कैसे, ध्यान देना. अब देखो बच्चों 1/2 तो आपके पास है ही, उसके बाद देखो अब ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर. इसको इससे करो, देखो ये होता क्या है, यू करके और माइनस यू करना पड़ता है, समझे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, x और x क्या होगा, x स्क्वायर, फिर माइनस लगाओ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए ना मेरा कहने का मतलब क्या है। उसके बाद देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा भाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई और ये माइनस वाई, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो पहले क्या लगाओगे, माइनस, और फिर करो इसको x माइनस वाई और x, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, प्लस x माइनस वाई और यहां पे y, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो x और x प्लस वाई, ठीक है। करना क्या था, कुछ नहीं, इसे मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, फिर माइनस लगाओ और उसके बाद फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे आप ये सोल्व कर लो ना, 2, 3, 5, 6, तो पहले क्या करोगे, 2, 6 12 माइनस, अब उसके बाद इसको देखो 15, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 3। समझ गए, मैं ये टाइप कहना चाह रहा हूँ, मैं आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, मैं इसको हटा दूँ, उसके बाद इसको अपन क्या करेंगे, और आगे सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 1/2, उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से क्या होगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, देख लो माइनस वाई, तो एक्स वाई किसका, माइनस का, और माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लस का एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आपके पास है। तो देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बचा क्या, बच गया 1/2, और यहां से क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, और वो क्या है, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और 1/2 माइनस कॉमन लो तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अभी हमने पढ़ा था एक्स प्लस आयोटा वाई, तो क्या बोलेंगे, जेड इक्वल टू क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में। उसके बाद देखिए मोड जेड इक्वल टू दिस वन है, तो इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां क्या लिखूंगा, माइनस 1/2 और मोड ऑफ जेड स्क्वायर। लेकिन बच्चों एक बात आपको बता दूं, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें इसके नेगेटिव साइन को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये लिख देता हूं, बिकॉज एरिया ऑलवेज बी पॉजिटिव, डन। यहां तक आपको मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन IIT JEE एडवांस में आया हुआ था, तो उसको हमने किया है। आज के लिए इतना ही।